एक टाइम था जब लोग मिट्टी और घास फूस से घर बनाया करते थे, लेकिन आज के टाइम में सीमेंट के बिना घर बनाने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। अभी आप जिस घर, दुकान या बिल्डिंग में बैठ कर ये वीडियो देख रहे हैं, उम्मीद है कि वो सीमेंट की ही बनी होंगी। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि सबके घरों को मजबूती देने वाली ये सीमेंट आखिरकार बनती कैसे, और फिर इसमें ऐसा क्या मिला होता है जो दीवार को इतना मजबूत बना देता है कि वो सालों साल सर्दी गर्मी बरसात भी बिना किसी दिक्कत के झेल लेती है। आइए, अगर इन सब सवालों से आपका सामना हुआ है तो वीडियो आपके काम का है, क्योंकि आज हम इन्हीं सवालों के जवाब लेकर आए। बात सीमेंट की शुरुआत से करें तो इसे सबसे पहले विलियम एस्पडिन ने साल 1824 में इंग्लैंड में डिस्कवर किया था। असल में इंग्लैंड में एक पोर्टलैंड नाम की पहाड़ी है जिसका रंग सीमेंट के जैसा ही है, और यही वजह है कि सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट भी कहा जाता है। ये तो बात हो गई दुनिया की, सवाल ये आता है कि हमारे प्यारे देश भारत में इसकी शुरुआत कब हुई। तो आपको बता दें कि यहाँ पर सबसे पहली सीमेंट फैक्ट्री साल 1904 में गुजरात के पोरबंदर में सेट की गई, लेकिन कई वजहों से ये कंपनी चल नहीं पाई। इसके बाद उसी साल चेन्नई में एक फैक्ट्री में सीमेंट का प्रोडक्शन शुरू हुआ, हालांकि ये भी अपने काम में सक्सेसफुल नहीं रही। वैसे चेन्नई वाली फैक्ट्री की एक बात अलग ये थी कि ये फैक्ट्री सीपियों पर आधारित थी। इतना स्ट्रगल करने के बाद फाइनली 1912 और 1913 में जाकर गुजरात के ही पोरबंदर में पहली सफल फैक्ट्री लगाई जा सकी। हमने आपको सीमेंट का इतिहास तो बता दिया है, तो चलिए अब देखते हैं कि सीमेंट को फैक्ट्रीज में बनाया कैसे जाता है। असल में सीमेंट की फैक्ट्री आप कहीं भी नहीं लगा सकते, इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना होता है जिन्हें आपने अपनी भूगोल की किताबों में पढ़ा होगा। सीमेंट बनाने के लिए कच्चा माल पास में होना बहुत जरूरी है। अगर इसे बनाने वाला सारा मटेरियल एक ही जगह मिल जाएगा तो प्रोडक्शन ज्यादा अच्छे से और कम दाम में हो जाएगा। इसे बनाने के लिए जो कच्चा माल हम इस्तेमाल करते हैं वो भारी और सस्ता होता है, और इस कच्चे माल को इधर उधर ट्रांसपोर्ट करने से माल का वजन कम हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें लगती हैं, तो आपको बता दें कि सीमेंट बनाने के लिए मेनली चार चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पहला है लाइमस्टोन, यानी कि चूना पत्थर। चूना पत्थर में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। दूसरा है लेटराइट मिट्टी, ये मिट्टी लाल रंग की होती है, और इस मिट्टी की खास बात यह है कि इसको पकाया जा सकता है। तीसरा है शेल स्टोन, ये काला पत्थर होता है और कहीं भी आसानी से मिल जाता है। और सबसे आखिर है लाल मिट्टी। इसके अलावा सिलिका और एल्यूमिना का यूज भी किया जाता है। इसमें कोल का भी यूज किया जाता है। एक टन सीमेंट के उत्पादन करने के लिए लगभग 250 ग्राम कोयले की जरूरत पड़ती है। जब आप कच्चे माल की बात समझ गए हैं तो ये भी जान लीजिए कि सीमेंट फैक्ट्री उन जगहों पर ही लगाई जा सकती है जहां पर एक तो इसकी डिमांड ज्यादा हो और दूसरा जहां चूना पत्थर अच्छे से अवेलेबल हो, क्योंकि चूना पत्थर सीमेंट प्रोडक्शन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कच्चा माल है, और ये टोटल वेट का लगभग 60-65% तक होता है। इससे ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी कम हो जाता है और सीमेंट इंडस्ट्रीज को काफी ज्यादा मुनाफा मिल जाता है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये बनता कैसे है। असल में सीमेंट बनाने के लिए सबसे पहले चूना पत्थर निकाला जाता है। चूना पत्थर बड़े बड़े पहाड़ों में मौजूद होता है। पहाड़ों में ही सब कच्चा मटेरियल पाने के लिए पहाड़ों में ब्लास्ट किए जाते हैं, और इससे एक ही झटके में काफी बड़ा पहाड़ टूट जाता है, जिससे पहाड़ों के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, और फिर उनको ट्रक में लोड करके फैक्ट्रीज में लाया जाता है। इसके बाद इन चारों चीजों को एक एक करके क्रशिंग मशीन की तरफ ले जाया जाता है। ये क्रशिंग मशीन इन सभी चीजों को अच्छे से बारीक करने का काम करती है। एक एक करके सभी मटेरियल्स को बारीक पीस लिया जाता है। इसके बाद इन चारों चीजों को अच्छी तरह आपस में मिक्स करके कन्वेयर बेल्ट की हेल्प से आगे भेजा जाता है, और एक बड़ी गर्म भट्टी में 1450 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पर गर्म किया जाता है। इतने ज्यादा टेम्परेचर पर गर्म करने से इन सभी चीजों के नेचुरल कंपाउंड टूटकर अलग हो जाते हैं और एक नया कंपाउंड तैयार हो जाता है। भट्टी से यह कंपाउंड बहुत ही बारीक छोटे टुकड़ों में निकलता है, जिसे खंगर या क्लिंकर कहते हैं। उसके बाद ये मटेरियल कूलर में आता है। इस कूलर में मटेरियल को 70 से 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखा जाता है। अब आखिर में इन टुकड़ों को एक बड़े से ग्राइंडर में बारीक पीस लिया जाता है, और बस सीमेंट बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन इस सीमेंट के अगर घोल तैयार किया गया है तो इसे दीवारों पर लगाना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि सीमेंट पानी में मिलते ही सख्त हो जाता है। ऐसा ना हो इसीलिए उस सीमेंट में जिप्सम मिलाया जाता है, ताकि सीमेंट पानी में भीगने पर सख्त ना हो जाए। एक बार जब सीमेंट बन जाता है तो बारी आती है पैकिंग की। दोस्तों, सीमेंट की पैकिंग का काम मशीनें ही करती हैं, और इसके लिए सीमेंट की पैकेट को मशीन में फिट कर दिया जाता है, और फिर मशीन ऑटोमेटिकली सीमेंट के पैकेट में सीमेंट भर देती है। अब ये सीमेंट बाजार में बेचने के लिए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सीमेंट एक ही तरह का होता है। क्वालिटी के हिसाब से सीमेंट को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है।
जैसे ग्रेड 33, ग्रेड 43 और ग्रेड 53। सीमेंट बनाने की एक महीने या 28 दिन बाद इसकी टेस्टिंग की जाती है और उसी हिसाब से इसकी क्वालिटी तय की जाती है। इसके अलावा भी सीमेंट कई तरह का होता है, जैसे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, लो हीट सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट, सफेद सीमेंट, रंगीन सीमेंट आदि। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ और आपको बताते हैं कि इंडिया में कितना सीमेंट प्रोड्यूस किया जाता है और सबसे ज्यादा सीमेंट आखिर किन राज्यों में बनता है और क्या इंडिया को सीमेंट बाहर से भी मंगाना पड़ता है। आपको बता दें कि साल 1947 तक भारत में सीमेंट की 18 फैक्ट्रीज थी जिनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 21.15 लाख टन थी, लेकिन आजादी के बाद सीमेंट इंडस्ट्री का डेवलपमेंट तेजी से होने लगा क्योंकि हमारा देश बांध, सरकारी बिल्डिंग, स्कूल्स, कॉलेज, हॉस्पिटल बनाने लगा था और इसी वजह से सीमेंट की मांग भी बढ़ने लगी थी। आज भारत दुनिया का लगभग 8% सीमेंट प्रोड्यूस करता है और चाइना के बाद वर्ल्ड में सीमेंट प्रोडक्शन में दूसरे नंबर पर आता है। इंडिया से यूएसए, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे देशों को सीमेंट बेचा जाता है। यहाँ तक कि साल 2020 में अकेले श्रीलंका को इंडिया के 1.8 मिलियन टन सीमेंट एक्सपोर्ट किया गया था और इंडिया में आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा सीमेंट प्रोड्यूसर है। दूसरे नंबर पर राजस्थान और तीसरे नंबर पर कर्नाटक सबसे ज्यादा सीमेंट प्रोड्यूस करते हैं। वैसे क्या आपको पता है कि भारत की कुल सीमेंट उत्पादन का 98% प्रोडक्शन प्राइवेट कंपनीज ही करती हैं और लगभग 20 बड़ी कंपनियां ही कुल सीमेंट उत्पादन का लगभग 70% उत्पादन करती हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, बिरला सीमेंट लिमिटेड, जेके सीमेंट्स लिमिटेड, बिनानी सीमेंट, एसीसी सीमेंट, जेबी सीमेंट इंडिया की कुछ जानी मानी सीमेंट कंपनीज हैं जिनके एडवर्टीजमेंट भी अक्सर आपने टीवी पर देखे ही होंगे। सीमेंट इंडस्ट्रीज की भी कुछ दिक्कतें, जैसे कि इस इंडस्ट्री में कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत तो ज्यादा होती है लेकिन इस हिसाब से प्रॉफिट नहीं मिल पाता, इसीलिए अक्सर बिजनेसमैन सीमेंट इंडस्ट्रीज में बाकी इंडस्ट्रीज के मुकाबले कम पैसा लगाते हैं। एक बड़ी दिक्कत यह है कि इसमें एनर्जी की जरूरत भी ज्यादा होती है और जिस किसी स्टेट में पर्याप्त एनर्जी नहीं मिल पाती है उसमें भी सीमेंट उद्योग को नुकसान पहुंचता है। सीमेंट इंडस्ट्री एयर पोल्यूशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और आजकल जब पूरी दुनिया एनवायरनमेंट को लेकर अलर्ट हो रही है, ऐसे में ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना भी इस इंडस्ट्री के लिए एक मुसीबत बन गई है। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी के उपयोग को बढ़ावा देना और कार्बन उत्सर्जन में कमी करना भी सीमेंट इंडस्ट्रीज के सामने मेन चुनौतियां हैं। जाते जाते एक और बड़ी और बहुत जरूरी बात आपको बता दूं कि अगर आप भी घर या कोई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, अच्छे से अच्छे सामान का इस्तेमाल करना चाहेंगे आप? आखिर घर या बिल्डिंग रोज रोज तो नहीं बनते, लेकिन आजकल बाजार में नकली सीमेंट को असली सीमेंट के नाम पर खूब बेचा जाने लगा है। इसलिए कोई भी कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले असली और नकली सीमेंट की पहचान करना बहुत जरूरी है। सीमेंट की टेस्टिंग बहुत आसान है, जैसे कि जिस भी मौसम में आप सीमेंट को पकड़े ये हमेशा ठंडा होना चाहिए। अगर सीमेंट में थोड़ी सी भी गर्माहट महसूस होती है तो समझ लीजिए कि वो सीमेंट नकली है। नंबर दो, असली सीमेंट का कलर एक जैसा होना चाहिए। और तीसरी बेहद जरूरी बात है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट। अगर मैन्युफैक्चरिंग डेट के 3 महीने में सीमेंट यूज किया जाए तो सीमेंट अच्छा रिजल्ट देता है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही वीडियोस हमारे चैनल पर देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।